भाई लोग, क्या आप भी अपने अलकतरे वाले रंग से परेशान हो? जी। क्या आपके लिए भी सरकारी नौकरी लड़की पाने का आखिरी होप है? जी। और क्या आप भी चमक धमक करके पपियों का सौदागर बनना चाहते हैं? जी। तो भाई फिकर नॉट, क्योंकि आज तुम्हारा ये भाई तुम्हें ऐसा चमका देगा कि कल तक जो लड़की बोलती थी चूतिया, वो अब तुम्हें बोलेगी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो आओ यार, अपनी मुस्कान की चमकार फैलाते हैं और शुरू करते हैं। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गोरा होने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय। ये देखिए, पहली बार का ये दोस्तों कमाल है। ये देखिए, बिल्कुल ये साफ हो चुका है। ये रंग गोरा नहीं हुआ है, तुम्हारी आंखें चूती आ चुकी है। हाथों में चचुंदर की टट्टी लगा के गोरे होने की ये कौन सी निंजा टेक्निक है बे? बंद करो भेंचोद। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन घरेलू उपाय बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप लोग अपने चेहरे के डार्कनेस को, चेहरे के कालेपन को दूर कर पाएंगे। बिल्कुल सही, हम लोग तो जन्म जात चूतिए हैं। क्यों? You are right, bro. अगर कोई मुझे गत्ता फुकवा के भी ये बोलेगा ना कि ये दोनों चबूतरे एक इंसान के, मैं तब भी नहीं मानूंगा। मतलब ये कि इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची। अम्मा वो अम्मा, यार बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। और मेरे भाई, बोरो प्लस की पुड़िया लगा के गोरा इंसान तो क्या भगवान भी नहीं कर सकता। मैं लिख के देता हूँ। क्या हुआ? वो देखता ही नहीं। ये लौंडा बहुत सख्त है, पिघलेगा नहीं। मगर क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पलट के देख लिया तो लड़की 103 पे फोन करके इसकी गांड तुड़वा देगी। बड़े आराम से। कितना हसी तुझे बनाया रब ने, देखा तुझे दिल में बसाया सब। देख लो कबाड़ी को, शक्ल से ही दरिंदा लग रहा है और आंखों में तो हवस का समुंदर दिख रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इसे किसी फिल्म में ले लिया तो फिल्म का नाम होगा कोई गांडू मिल गया। और यार, लड़की गोरी हो या काली, कोई इसे कैसे पढ़ सकती है? असंभव बच्चों, असंभव। क्योंकि आप माने या ना माने, आपकी गोरी निखरी और बेदाग त्वचा ही आपकी खूबसूरती की सबसे बड़ी पहचान। बस यही जानने के लिए तो इंसान में जन्म लिया था। इन फेयरनेस वालों के हिसाब से प्रमोशन से लेके शादी, दोस्ती से लेकर बच्चा, सब इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रीम लगाते हो। और अगर ऐसा सच में होता ना, तो ये गोरा पिसाज देश का प्रधानमंत्री होता। चल बजड़ी। सावले बन के वैसे कॉलेज में काफी प्रॉब्लम्स हुए, कोई वैल्यू नहीं करता था, इवन मैं अटेंशन ग्रैब करने की काफी कोशिश करता था। बिल्कुल सही, हमारा ये भाई नोटिस में आने के लिए बकरे की गोटी खुले आम चूसता था। मैंने ब्लीच वगैरह और फेशियल वगैरह भी ट्राई करे, बट वो सब टेम्परेरी थे। देन मैंने फेयर लुक के बारे में सुना, मुझे लगा जहाँ इतना सब कुछ यूज करा है वहाँ एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो भाई को काला दिखाने के लिए मेकअप किया है ना, इस बात की ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। मेरी स्किन डार्क हुआ करती थी, उसकी वजह से मुझे कपड़े इतने सोच समझ के पहनने पड़ते थे। मेरे हस्बैंड तो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे, दूसरी लड़कियों को देखते थे ना, बहुत बुरा लगता था। मैंने टीवी पे फेयर लुक का एड देखा। हाँ, और अब मेरे पति ने मुझे ये बोल के छोड़ दिया कि देखो यार, मैं शाहरुख खान का फैन हूँ और मैं सिर्फ लिपटा झिप्टी में बिलीव करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं इस एड का मेकअप मैन दिख गया ना, तो मैं उसकी गांड में गोली मार दूंगा, वो भी दौड़ा दौड़ा कर। गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। अरे रुको, तुम कहाँ अंदर जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, हमारा मिस्टर ओब्राय के साथ 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो आप जाइए ना, आराम से सोफे पर बैठ जाइए, मैं इस ड्राइवर को रोक रहा हूँ। नहीं भाई साहब, मैं इनका सेक्रेटरी, ये मेरे बॉस है मिस्टर रामगोपाल। अबे यार, ये कैसी शक्ल बनाई है, ऐसा लग रहा है किसी ने मुंह पर कौवा रगड़ दिया हो और ऊपर से विमल की पिचकारी मार दी। बोलो जुबा केसरी। आप कितना भी दिखाएं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने से गोरे व्यक्ति को देखते हैं तो पता चल ही जाता है। अगर आप गोरे हैं तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें ये चुदक्कड़ बातें बता कौन रहा है? बताओ। तुमको ये किसने समझा दिया कि लोग सिर्फ गोरों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं? रुको, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सुशांत, जरा अपना गोरा गुड़ गोला लाओ यार। तेरी जान हो
తోబా 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 తాళం మూడ్ ఖరాబ్ కండియా రెండా అవును కళ్యాణి నీలి ఉండగా మీకెందుకు చింత నోరు తెరువమ్మా ఏంట్రో నీలి మంది రోడ్లో పోతుంది ఒరే అంజీ నువ్వు వాడరా इस मायावी जड़ी बूटी का आविष्कार नीले जादू ने किया था और अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि उसने इसमें क्या क्या मिलाया तो अफसोस ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे टॉप 10 क्रीमें रखी हुई हैं। फ्रेंड्स आज मैं इनकी रैंकिंग देके बताऊंगा रिव्यू करते हुए कि इनमें से नंबर 10 से लेकर के नंबर 1 पे कौन सी क्रीम इस समय इंडिया में छाई हुई है। जी हाँ, फेयरनेस क्रीम छाई हुई है इंडिया पर। और अगर तुम लोग को ये लगता है कि इंडिया पर आलिया छाई है तो सुनो, लौड़े हो तुम छोटी लुल्ली वाले। तो यार आज के लिए बस, एंड में सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर गोरे होने के लिए ये सारे प्रोडक्ट यूज करोगे तो जिंदगी तुम्हारे मजे ले लेगी। उससे अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वीडियो पसंद आई है तो यार तुम लोग को ये सब बोलने का फायदा नहीं, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, इसीलिए गोरी कन्या से बुलवाता हूँ। कन्या सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। चलो यार मैं चलता हूँ, मुझे ब्लीच करवाने जाना है। अगले हफ्ते मेरा जॉब इंटरव्यू है, गोरा दिखूंगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो बाय। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेला दिनों का आता है, एक आजा चला जाता है।